हो जाए हो ना जाए हमसे काफिला। हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ प्रियम बता आपके साथ मिड डे मसाला में। 11:50 हो चुके हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज अनुज तिवारी से बात करूंगी। अनुज तिवारी इज अ वेरी गुड फ्रेंड और उसके साथ ही बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। और एक और चीज़ आपको बताओ जी, पहले ज़माने में लोग अपनी महबूबा की याद में बड़ी बड़ी इमारतें बनवा दिया करते थे। ताजमहल एक एग्जाम्पल है। आज अगर आप कुछ नहीं कर सकते, एक किताब तो लिख ही सकते हो, बंदी खुश रहेगी। यही किया अनुज ने, और अनुज ने अपनी उस जिंदगी के उस प्यार के लिए एक बढ़िया सी किताब लिखी और उसके बाद उसका सीक्वल भी लिखा। तो पहले अनुज से बात करते हैं। हेलो, आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम, मेरे यानी अनुज तिवारी के साथ ऑन मिडडे मसाला विद प्रियम बदा। बजाते रहो। देखो, मेरी जॉब को ना टेक ओवर करने की कोशिश मत करो। एनीवेज, जब आपकी ये बुक्स जो है लॉन्च हुई और उसके बाद इतनी सक्सेसफुल हुई, तो फिर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। आई थिंक कन्फ्यूजन सिर्फ उनको यही है कि दे डोंट नो माई फ्यूचर बिकॉज आई एम वेरी अनस्टेबल। अनस्टेबल व्हेन आई से इट मीन्स कि मुझको भी नहीं पता, फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट नो, बट यस आई वुड बी कनेक्टेड टू राइटिंग। मैं भी हमेशा राइटिंग को लेकर कनेक्टेड रहूंगी। मेरी भी फैमिली और फ्रेंड्स जो है मुझे नहीं जानते कि मैं कब क्या कर बैठूं, तो मतलब मैं और अनुज काफी कुछ सेम है। नहीं, मैं भी लिखती हूँ फेसबुक पर स्टेटस ही। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं प्रिया मदा आपके साथ मिड डे मसाला में। 4 सुपर हिट गाने आ रहे हैं आपके लिए। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन टुमकदा। हाय, थैंक यू सो मच। बस, अरे बस, बहुत हो गया। गाने आ रहे हैं आपके लिए। अनुज से बात कंटिन्यू रहने वाली है, बस आपको ही बजाओ, बजाते रहो।